हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ईएसी लाइटनिंग अरेस्टर एंड हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द प्रोटेक्शन। सो बेसिकली सबसे पहले समझने वाले हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर की नीड क्या है, ईएसी टाइप लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, लाइटनिंग अरेस्टर का एक रेडियस होता है, रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे आप लाइटनिंग अरेस्टर जिस पर्पज के लिए लगा रहे हैं, आप क्या करेंगे, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करेंगे अपनी बिल्डिंग को, जहां पे भी आप लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लाइटनिंग अरेस्टर जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, क्या वो कैपेबल है आपके उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर लाइटनिंग अरेस्टर का रेडियस क्या है, वो कितना रेडियस प्रोटेक्ट कर रहा है आपके सिस्टम को। सो देखिए, सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है ये समझ लेते हैं। सो लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है कि देखिए, आपने देखा होगा कि आकाश में क्या होता है, बिजली चमकता है और समटाइम्स बिजली किसी के बिल्डिंग पे, किसी के घर पे इस तरीके से बिजली जो है वो गिर जाती है। सो पॉइंट ये आता है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं जिनका हाइट काफी ज्यादा होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा देते हैं कि अगर इनकेस बिजली चमकेगी वहां पे उस एरिया में पर्टिकुलर, तो वो बिजली जो है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग पर ना गिर के उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। जैसे लाइटनिंग अरेस्टर यानी कि लाइटनिंग को अरेस्ट करने वाला, तो उस लाइटनिंग को अरेस्ट करके हम ग्राउंड कर देंगे। सो ग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट करंट यानी कि जो हैवी अमाउंट ऑफ करंट है उसको हम फीड कर सकते हैं ग्राउंड में। वो फीड करने का काम कौन करेगा, लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, उस हैवी करंट को लेगा जो आपके लाइटनिंग में है और उसको ग्राउंड कर देगा। सो इसलिए हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है लाइटनिंग अरेस्टर लगाने का। सो सबसे पहला पॉइंट आता है टू कैप्चर द लाइटनिंग, यानी कि जो लाइटनिंग हो रहा है उसको हमको कैप्चर करना है, इसलिए हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है टू कंडक्ट लाइटनिंग करंट सेफली टू द अर्थ, यानी कि जो लाइटनिंग में जो करंट है, यानी कि जब लाइटनिंग होता है तो उसमें हैवी अमाउंट ऑफ करंट होता है, तो उसको कंडक्ट करना है मेरे को सेफली टू द ग्राउंड, यानी कि उसको कंडक्ट करके सेफली मुझे ग्राउंड में फीड करना है, इसलिए हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। थर्ड पॉइंट हम ये कर सकते हैं कि टू डिसिपेट द लाइटनिंग करंट इन द ग्राउंड, यानी कि जो भी लाइटनिंग के अंदर करंट था उसको हमें डिसिपेट करना है ग्राउंड में, हम उसको डिसिपेट कर दें। ये भी काम हमारा कौन करता है, लाइटनिंग अरेस्टर करता है। फोर्थ पॉइंट वी कैन से कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, यानी कि लाइटनिंग से जो हमारे सेकेंडरी इफेक्ट्स, लाइक होता क्या है कि देखिए, लाइटनिंग की वजह से इट्स नॉट लाइक कि लाइटनिंग सीधे आपकी बिल्डिंग पे गिरेगा तभी आपको प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं है। अगर लाइटनिंग कहीं दूर किसी ट्रांसमिशन लाइन के पोल पे भी गिर जाता है या ग्राउंड में भी जाता है, तो उससे भी कई बार ये देखने को मिलता है कि अगर आपका घर नियर बाई है जहां पे लाइटनिंग गिरा हुआ है, तो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी इलेक्ट्रिकल चीजें जो है वो डैमेज हो सकती है, लाइटनिंग के इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं। सो कई बार क्या होता है कि लाइटनिंग का जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपकी बिल्डिंग पे देखने को मिलेगा, तो लाइटनिंग अरेस्टर अगर लगा होगा तो कहीं ना कहीं उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर लगता कैसे है। सो इस फिगर में अगर आप देखोगे तो ये कोई बिल्डिंग बनाई हुई है मैंने, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाया हुआ है। सो ये जो ब्लैक कलर से मैंने पिक्चर बनाया हुआ है, दिस इज अवर लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है कि लाइटनिंग अरेस्टर को उस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के सबसे टॉप वाले पोर्शन पे हम लगाते हैं, यानी कि अगर एक बिल्डिंग की हाइट फॉर एन एग्जांपल 10 मीटर है, तो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का जो पोजीशन होगा वो अबव 10 मीटर, यानी कि बिल्कुल टॉप वाले पोर्शन के ऊपर लगाते हैं हम लाइटनिंग अरेस्टर को। लाइटनिंग अरेस्टर में होता क्या क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सो देखिए, लाइटनिंग अरेस्टर में अगर आप देखेंगे तो लाइटनिंग अरेस्टर में होता क्या है, तो सबसे पहले अगर आप ये वाला पॉइंट देख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट मास्ट विद गेज वायर। सो ये आपके वायर्स हैं जो कि क्या करता है, इसको इसका जो मास है, ये जो हाई मास है, ये क्या करता है, हाइट प्रोवाइड करता है हमारे लाइटनिंग अरेस्टर को। सो बेसिकली ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये गोल है और इस पे जो ये आप पोर्शन देख रहे होंगे, इसको हम इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। ये मेरा लाइटनिंग अरेस्टर है और इसको हाइट देने के लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट मास्ट लगाते हैं। इस सपोर्ट मास्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को हाइट दे सकते हैं। हाइट वो कुछ भी हो सकती है, लाइक 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 10, 20, 30, जो भी हाइट रिक्वायर्ड है हमारे को उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस हाइट पे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने लाइटनिंग अरेस्टर को विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट मास्ट एंड दिस वायर। इस वायर की हेल्प से और इस रॉड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को लगा सकते हैं। अब क्या होता है, देखिए ये जो लाइटनिंग अरेस्टर और जो आपका ये मास्ट है, इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, एक बैकलाइट का इंसुलेटर लगाते हैं, जो कि क्या कर देगा, इंसुलेटर लगाने से क्या फायदा होगा कि ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन जो है वो आपस में आइसोलेट हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि जो ये लाइटनिंग अरेस्टर होता है, इसको हम क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। अभी अगर आप स्ट्रिप देखेंगे तो इस अर्थिंग स्ट्रिप से हमने क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है, इसको अर्थ पिट में गया हुआ है इसका कनेक्शन। सो बेसिकली एक डाउन कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, ये कॉपर की वायर हो सकती है, जीआई स्ट्रिप हो सकती है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे इसको, बेसिकली लाइटनिंग अरेस्टर को।
यहाँ पे आप एक स्ट्राइक काउंटर भी लगा भी सकते हैं, बहुत से लोग यूज करते हैं, बहुत से लोग नहीं यूज करते हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा कितनी बार लाइटनिंग जो है वो आपके लाइटनिंग रजिस्टर पे स्ट्राइक की, तो ये उसकी वैल्यू काउंट करता है। अगर आपको इनकेस देखना है तो आप एक स्ट्राइक काउंटर भी यूज कर सकते हैं। नाउ देखिए, अब ये समझते हैं कि लाइटनिंग होता कैसे है। तो देखिए, क्लाउड जो होता है बादल में क्या होगा कि आपके चार्जेस एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो चार्जेस आइदर पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं और निगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। तो अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये देखिए एक क्लाउड है। सो क्लाउड में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मेरे को देखने को मिल रहा है। ये क्लाउड में मेरे को पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिल रहा है। अब होगा क्या कि ये जो चार्जेस जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्जेस बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए। अब होगा क्या कि इस बादल के चारों तरफ जो एयर होगा वो भी क्या होगा, आयनाइज होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर भी आयंस यानी कि पॉजिटिव निगेटिव जो आयंस होते हैं एटम के अंदर, वो क्या होंगे, आयनाइज हो जाएंगे। अब होगा क्या कि जो आयंस है ना, इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव है, अब होगा क्या कि ये जो क्लाउड है इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये क्या करेगा, ये ट्राई करेगा कि वो निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करे। जब ये निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या कि जो एयर होगा पास वाला, इसमें से जो पॉजिटिव और निगेटिव का जो एटम है, इसमें एयर में गैसेस भी होंगे, एटम्स भी होंगे, तो एटम्स का जो पॉजिटिव निगेटिव होगा इनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा और कुछ निगेटिव जो आयन होंगे वो क्या करेंगे, हमारे क्लाउड की तरफ होंगे, अट्रैक्ट होंगे। नाउ अब उनका जब जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो जब ब्रेक होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव आपस में टूटेंगे। निगेटिव वाला पोर्शन क्लाउड की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी है, एक पॉजिटिव है, क्लाउड मेरा पॉजिटिव है, वापस उसने ब्रेक किया एक पॉजिटिव निगेटिव एटम को और निगेटिव वाला पोर्शन क्लाउड की तरफ जाना शुरू करेगा। अब मेरे उस पर्टिकुलर एरिया का जो एयर है उसमें क्या होगा, वो एरिया जो है वो आयनाइज हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या करेंगे, तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। अब कंडीशन ये आती है कि जो देखिए लाइटनिंग एरेस्टर होता है, लाइटनिंग एरेस्टर को अगर आप कभी गौर से देखेंगे तो उसके नीचे एक होल होता है बेसिकली, जिसको होल इसलिए भी बनाया जाता है कि जो एयर होता है हमारा, जो आयनाइज एयर है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, जिसमें हमारा ऑलरेडी एटम है, वो क्या करेगा, वो हमारे लाइटनिंग एरेस्टर के अंदर जाएगा। लाइटनिंग एरेस्टर के अंदर दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक आपको पीएन जंक्शन डायोड देखने को मिलेगा और एक आयन जनरेटर देखने को मिलेगा। सो अब बात आती है कि पीएन जंक्शन डायोड और आयन जनरेटर का काम क्या है। सो बेसिकली आयन जनरेटर क्या करता है, जैसे मैंने इसका नाम बताया कि इट्स अ लाइटनिंग एरेस्टर, लाइटनिंग जब होने की कंडीशन होगी तो इसको अरेस्ट करेगा। तो अब आयन जनरेटर क्या करता है, बेसिकली आयन जनरेट करेगा, रिवर्स पोलैरिटी जनरेट करके वो क्या करेगा, लाइटनिंग की तरफ जाएगा और लाइटनिंग को अरेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, होता कैसे कि जब होगा क्या कि जो आपका मॉइस्चर वाला जो एयर था जिसमें आयन थे, जब वो लाइटनिंग एरेस्टर के अंदर जाएंगे, जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, वहां पे क्या होगा, एवलांचर ब्रेकडाउन की कंडीशन वहां पे देखने को मिलेगी। एवलांचर ब्रेकडाउन की कंडीशन क्या होती है, एवलांचर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि एक रिवर्स हाई वोल्टेज जो है वो हमारे डायोड को अप्लाई हो जाता है। अब ये जो रिवर्स हाई वोल्टेज जो डायोड को अप्लाई होगा, उससे दो तीन चीजें होती है हमारे सर्किट में। पहला चीज क्या हो जाता है कि एक इंक्रीज हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायोड पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे उस सर्किट के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा हमारा, जो कि क्या करेगा, ब्रेक कर देगा हमारे जितने भी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं उसके अंदर, डायोड के अंदर। यानी कि डायोड में क्या होता है, पी एन जंक्शन होता है, पी और एन जंक्शन के बीच में एक डिप्लीशन रीजन होता है जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर होता है। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इंक्रीज होगी, एक फोर्स अप्लाई होगा, ये फोर्स क्या करेगा, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक होने से क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा शुरू हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो लाइटनिंग एरेस्टर है ये क्या करता है, आयन जनरेट करना शुरू कर देता है। अब ये जब ये आयन जनरेट करेगा तो वो आयन क्या होगा, इसके टॉप वाले पोर्शन से निकल के ऊपर की तरफ स्ट्राइक करेगा, अपने आप को ऊपर की तरफ भेजेगा, यानी कि लाइटनिंग की तरफ भेजेगा। अब होगा क्या कि ये मेरी बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग में मेरा लाइटनिंग एरेस्टर लगा हुआ है, यहां से ये आयन को क्या करेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा क्लाउड की तरफ, और क्लाउड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, तो अब ये दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट होगी, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो अब होगा क्या कि मेरा लाइटनिंग एरेस्टर क्या करेगा, आयन जनरेटर था जो, उसने क्या करा, आयन जनरेट किया, और उसने क्या किया, थ्रो किया, वो आयन जनरेटर क्या करेगा, थ्रो करेगा आयन्स को क्लाउड की तरफ जहां पे ऑलरेडी एक्युमुलेट हो चुके हैं चार्जेस जो कि धरती पे गिरने वाले हैं, यानी कि जहां से बिजली जो चमकती है ना, बिजली जो गिरने वाली है ये उसकी तरफ बढ़ेगा, और ये क्या करेगा, रिवर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करके ये सीधे क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा, अर्थ कर देगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारे लाइटनिंग एरेस्टर का। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इसका काम होता है आयन जनरेट करना, आयन जनरेटर होता है इसके अंदर लाइटनिंग एरेस्टर के अंदर। ये क्या करेगा, जब आयन जनरेट कर देगा तो आयन जनरेटर क्या करेगा, आयन्स को वापस बाहर की तरफ लाइक क्लाउड की तरफ क्या करेगा, थ्रो करेगा, बेसिकली फेंकेगा, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द ट्रिगरिंग एडवांस,
यानी कि हर एक लाइटनिंग जैसा का एक ट्रिगरिंग एडवांस होता है कि वो कितने स्पीड से ट्रिगर करेगा उस आयन को टुवर्ड्स द क्लाउड, सो दैट कि वो लाइटनिंग को कैप्चर करके लाइटनिंग को ग्राउंड कर दे। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये बेसिक चीजें हैं जो कि लाइटनिंग एरेस्टर किस तरीके से काम करता है। नाउ अब बात आती है जब हम रेडियस की बात करते हैं, रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं लाइटनिंग एरेस्टर की, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम समझ लेते हैं। सो रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। सो आरपी इज द रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट एच ब्रैकेट में 2d माइनस एच ब्रैकेट क्लोज प्लस डेल्टा एल ब्रैकेट में 2d प्लस डेल्टा एल। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इन सब की वैल्यूज क्या है, इन सब का मतलब क्या है। देखिए आरपी इज इक्वल टू ईएसई प्रोटेक्टेड रेडियस, यानी कि जो ईएसई है, ईएसई का फुल फॉर्म अर्ली स्टीमर एमिशन, यानी कि जो ईएसई लगाया हुआ है आपने, ये जो ईएसई लगा हुआ है इसका प्रोटेक्टेड रेडियस कितना, ये कितना रेडियस प्रोटेक्ट करेगा, इसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आरपी, रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। एच जो होता है, एच की वैल्यू इज द हाइट ऑफ प्रोटेक्टर टिप एवव द एरिया टू बी प्रोटेक्टेड। मैंने पहले भी बोला एवव द एरिया टू बी प्रोटेक्टेड का मतलब हो गया कि आप जिस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर लगाएंगे, और जो भी एच की वैल्यू होगी, जो भी हाइट होगी, यानी कि वो हाइट कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर का अगर आप लगाएंगे मास्ट तो 2 मीटर होगा, 3 मीटर भी लगा सकते हैं, 4 मीटर लगा सकते हैं, 6 मीटर लगा सकते हैं, तो वट एवर हाइट रिक्वायर्ड टू कवर द टोटल एरिया ऑफ योर बिल्डिंग दैट इज कॉल्ड एच। लाइक कि जो भी हाइट आप लगा रहे हैं उसको हम एच बोलेंगे, और वो हाइट जो होगी वो एबव द बिल्डिंग होनी चाहिए। नाउ डी पॉइंट इज द ट्रिगरिंग डिस्टेंस डिफाइंड बाई NEF 17-102, यानी कि ये एक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, IEC स्टैंडर्ड्स भी है इसके अंदर। सो दिस इज योर ट्रिगरिंग डिस्टेंस। ट्रिगरिंग डिस्टेंस का मतलब कि किस लेवल में मेरा ESC टाइप कितना ट्रिगर करेगा, कितना दूर तक ट्रिगर करेगा, पहला चीज होता है। तो वो डी जो है वो डिस्टेंस है, यानी कि लेवल वन पे मेरा ESC टाइप का क्या डिस्टेंस होगा ट्रिगर करने का, मतलब यहां से कितना ट्रिगर करेगा, 20 मीटर 30 मीटर 50 मीटर 100 मीटर 500 मीटर कितना ट्रिगर करेगा। सो ये डी की वैल्यू होती है। सो जनरली इस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या बोलते हैं कि अगर लेवल वन की हम बात करते हैं तो आपका ESC टाइप लाइटनिंग एरेस्टर जो है वो 20 मीटर उसका ट्रिगरिंग डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि लेवल वन पे यहां से वो क्या करे, हमारे आयंस को 20 मीटर ट्रिगर करे। लेवल टू की बात करें तो 30 मीटर शुड बी द ट्रिगरिंग वैल्यू। लेवल थ्री पे बात करें तो दैट शुड बी 45 मीटर, यानी कि 45 मीटर मेरा ट्रिगर करना चाहिए ESC टाइप लाइटनिंग एरेस्टर जो आयंस को ट्रिगर कर रहा है। नाउ लेवल 4 पे क्या आएगा, लेवल 4 पे 60 मीटर शुड बी द ट्रिगरिंग वैल्यू, यानी जब हम लेवल 4 का प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो मेरा जो ये ESC टाइप लाइटनिंग एरेस्टर है ये ट्रिगर करना चाहिए आयंस को 60 मीटर तक। नाउ इसके बाद आता है डेल्टा एल। डेल्टा एल इज द अपवर्ड लीडर लेंथ गेन, डेल्टा एल इंटू मीटर्स में आ गया, तो वी मीटर पर माइक्रो सेकेंड इंटू डेल्टा टी मीटर पर माइक्रो सेकेंड। एंड यहाँ पे अगर डेल्टा टी की बात करेंगे तो ट्रिगरिंग एडवांस, यानी अब यहाँ से देखिए ट्रिगरिंग एडवांस बोल लीजिए, या समझने के लिए अगर सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ट्रिगर कर रहा है वो आयंस को जो ट्रिगर कर रहा है उन आयंस की स्पीड क्या है, यानी कि वो आयंस को कितनी तेजी से मीटर पर माइक्रो सेकेंड, यानी कि कितने मीटर पर माइक्रो सेकेंड वो ट्रिगर करेगा। सो ESC टाइप लाइटनिंग अरेस्टर है अगर आपका, तो उसमें दो वैल्यूज आती हैं। एक नॉर्मली अगर आप मार्केट में देखेंगे तो एक की वैल्यू होती है 20 मीटर पर माइक्रो सेकेंड, जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है कुछ आपके मैन्युफैक्चरर्स जो है वो छोटे रेडियस के लिए अगर आप मांगेंगे उनसे 50-60 मीटर रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन के लिए मांगेंगे, तो उन सब लाइटनिंग एरेस्टर का जो रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन अगर 50-60 मीटर पे जा रहे हैं तो आपको डेल्टा टी यानी कि ट्रिगरिंग एडवांस की वैल्यू आपको कितनी देखने को मिलेगी, 20 माइक्रो सेकेंड। अगर आप 107, 108, 1010 मीटर या 80-90 मीटर का अगर आप रेडियस मांगते हैं तो उस केस में डेल्टा टी की वैल्यू आपको क्या होगी, मैन्युफैक्चरर जो देगा आपको वो देगा 60 मीटर पर माइक्रो सेकेंड। दिस इज योर IEC स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये वैल्यूज हैं निकल के आती है। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजों की वैल्यू समझ में आ गई कि हाइट हो गया ये आपका, डी इज द डिस्टेंस कितना ट्रिगर करेगा, डेल्टा टी इज द ट्रिगर की स्पीड क्या होगी। अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ये जो टेबल है ये मैंने टेबल इसलिए बनाया हुआ है कि मैंने एक मैन्युफैक्चरर से जब लाइटनिंग एरेस्टर अपने लिए परचेज किया था तो उसने मुझे ये टेबल दिया था जिसमें वो बता रहा था कि आप लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का रेडियस एज पर हाइट देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब खुद मैं पहले कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मैं दो के लिए कैलकुलेट करता हूँ, एक लेवल वन के लिए भी करता हूँ, लेवल फोर के लिए भी करता हूँ। सो ये जो कैलकुलेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, ये हम लोग अप्लाई करते हैं लेस देन और इक्वल टू 6 मीटर तक, ये कैलकुलेशन हम लोग अप्लाई करते हैं।
और देखिए जब आप लाइटनिंग स्ट्राइक खरीदेंगे तो कई बार मैन्युफैक्चरर आपको ये भी बोलेगा कि आप 6 मीटर तक लीजिए, 10 मीटर 15 मीटर ज्यादा हाइट बढ़ाने से आपको क्या मिलता है, रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो 6 मीटर पे अगर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन 4 लेवल पे अगर मैं देखता हूं तो 6 मीटर वाला क्या दे रहा है, 107 मीटर का रेडियस दे रहा है, और अगर मैं 6 से सीधे 10 मीटर कर देता हूं तो मेरा 109 हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन में मेरे को बहुत गैप देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए वो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा हाइट बढ़ाइए मत, 6 मीटर के बाद अगर आप बहुत ज्यादा हाइट बढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि 7 से 9 हो रहा है, 2 मीटर का केवल रेडियस बढ़ रहा है, 9 से 13 हो रहा है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो सीधे देखिए 2 मीटर वाला 43 कर रहा था, तीसरा वाला 3 मीटर का कर दिया 48, सीधे चौथे मीटर पे जाते हैं तो 48 से सीधे 85, यानी कि जो लोअर साइड पे 6 मीटर तक में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ा रहे हैं लाइटनिंग स्ट्राइक का, उसका रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन 6 मीटर के बाद आप बढ़ रहे हैं तो 7वें मीटर पे अगर आप देखेंगे तो 97 से 99, 87 से 88, बहुत ही नॉर्मल गैप देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या रिकमेंड करते हैं कि आप 6 मीटर से ऊपर मत लीजिए। ऑल्दो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में 10 मीटर एक स्टैंडर्ड बन गया है हमारे सोलर इंडस्ट्री के अंदर, लोग 10 मीटर का हाई मास्ट खरीदते हैं। सो आप खरीद सकते हैं, इट इज अप टू यू, बट ये आंकड़े ये बता रहे हैं, ये कैलकुलेशन ये बताती है कि 6 मीटर के बाद भी अगर आप बहुत ज्यादा हाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको उसके रिस्पेक्ट में रेडियस कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। सो अब देखिए इस कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं एक बार, सो दैट कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये जो डेटा लिखा हुआ है या हमारी कैलकुलेशन है वो कितना मैच कर रही है। सो यहाँ पे देखिए h इज इक्वल टू हाइट, हाइट अगर मैं यहाँ पे 6 वाले को कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं इसको बेस वैल्यू लेके कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सो हाइट मैंने मान लिया 6 मीटर, सो यहाँ पे मैंने 6 रख दिया, इंटू 2 इंटू d, 2 ये हो गया, d मैंने क्या होता था ट्रिगरिंग डिस्टेंस। अब मैं ये लेवल 4 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो मेरा ट्रिगरिंग डिस्टेंस क्या होगा, 60 मीटर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड बोलता है कि लेवल 4 पे ट्रिगरिंग मीटर कितना होना चाहिए 60, तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया, माइनस h इज द हाइट, अगेन हाइट कितना है मेरा 6 रख दिया मैंने, प्लस डेल्टा l, डेल्टा l इज इक्वल टू क्या है, v मीटर पर सेकेंड इंटू डेल्टा t मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू जो है वो 1 होता है, 1 मीटर पर माइक्रो सेकेंड होगा, सो 1 इंटू जब मैं 60 कर दूंगा तो ये मेरा 60 मीटर पर माइक्रो सेकेंड आ जाएगा, प्लस आ गया हमारा 2 इंटू d, d की वैल्यू अगेन 60 जो मैंने यहां से निकाली हुई है लेवल 4 के लिए, प्लस मेरा 60 हो गया, डेल्टा एल की वैल्यू मेरी 60 हो गई, 1 मीटर पर माइक्रो सेकंड इंटू 60 मीटर पर माइक्रो सेकंड, इसको कर देंगे तो 60 आ जाएगा। नाउ जब आप ये वाली कैलकुलेशन पूरी कर देंगे तो आपके पास रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन की वैल्यू आ जाएगी 107.163 मीटर एट लेवल 4। अब मैं लेवल 4 पे यहाँ पे चेक करूंगा कि ये वाला आंकड़ा ये कितना बोल रहा है, 107, मेरा कैलकुलेशन क्या बोल रहा है, 107.163, यानी कि जो कैलकुलेशन ये बोल रहे हैं या जो मैंने कैलकुलेशन निकाला हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि ये कैलकुलेशन जो मैंने की हुई है रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन निकालने की किसी भी लाइटनिंग अरेस्टर ESC टाइप की वो बिल्कुल सही है। अब मैं एक और कैलकुलेशन करता हूँ, अब मैं करूंगा लेवल 1 पे पकड़ के चलता हूँ, ये लेवल 1 है इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। सो h इज इक्वल टू 6 मीटर पे लिया मैंने, 6 इंटू 2 इंटू लेवल 1 पे क्या होगा, d की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस ट्रिगरिंग डिस्टेंस कितना मेरा 20 मीटर इंटू 20 माइनस h की वैल्यू 6 प्लस डेल्टा एल 60 रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 60 मीटर पर माइक्रो सेकंड वाला ESC टाइप लाइटनिंग अरेस्टर सेलेक्ट किया हुआ है, 60 इंटू 2 इंटू डी की वैल्यू 20 क्योंकि हम लेवल 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस 60 आ जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू 60 जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 78.76 मीटर, मेरे को क्या बोल रहा है लेवल 1 पे 79, यानी कि ये भी वैल्यू मैंने प्रूफ कर दी कि जो भी मैंने कैलकुलेशन की हुई है ESC टाइप लाइटनिंग अरेस्टर की फॉर लेवल 1 एंड लेवल 4 वो बिल्कुल सही है, और ये मैन्युफैक्चरर के डेटा शीट या उसके चार्ट के थ्रू भी मैंने प्रूव कर लिया कि ये जो कैलकुलेशन इन्होंने बताई है और जो मेरी कैलकुलेशन बोल रही है वो पूरी तरीके से सही है। सो देखिए मैंने आपको इस पूरे वीडियो में 2-3 चीजें बताई हैं कि सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर काम कैसे करता है, और लाइटनिंग अरेस्टर के लिए रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा आपके लिए, और अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो या किसी भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट हो, आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।